यूपी के अमरोहा में आशीर्वाद पथ कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वरुण गांधी द्वारा किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम सबको सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। वरुण गांधी हमें आगाह कर रही हैं, वो बीजेपी की राजनीति को अच्छे से समझते हैं और वैसे ये हिंदू मुस्लिम या सिख का कोई मुद्दा नहीं। और तो और जयंत चौधरी ने लखीमपुर घटना के आरोपी के पिता मंत्री अजय मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा वो मोदी के चहेते मंत्री हैं, इसलिए उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद ही गिरफ्तारी की गई है। वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा बॉर्डर पर होने वाली घटनाओं पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। लखीमपुर घटना के आरोपी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा होटल में चेक इन किया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आरोपी खुद चलकर गया है, 5 दिन बाद घर पर नोटिस लगाया गया है, देश से गलत निगाह से देख रहा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या क्या कहेंगे कि ये चुनावी जो दौर है तो उसमें ये सब होता है? चुनाव तो होते जाते रहते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से तो कोई समझौता नहीं हो सकता। और चीन की तरफ से पहले भी अग्रेशन हुआ, सरकार का रुख कुछ नरम दिखा चीन की तरफ, लेकिन कहीं भी 1 इंच भी जमीन पे समझौता कोई भी देशवासी करना नहीं चाहता, तो सरकार इसमें सख्त रवैया। क्या अब चुनाव आ गया है तो पैक्ट की बात चल रही है? तमाम पैक्ट की बात चल रही है, जब कोई एक चीज होंगी तय हो जाएंगी तब आपके बीच रखेंगे। पूरे देश भर में कोयला खत्म हो गया है, उसको लेकर एक बात की जा रही है। कोयला खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, ईमान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म ही हो रहा है, क्या करें। एक के बाद एक संकट है, दवाई खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। गांव में बिजली नहीं है, चोरों का आतंक है, अमरोहा में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही है। अपराध तो यूपी में बढ़ रहे हैं और जिस निर्भीकता से अब डाका डालने वाले चोर जो हैं वे अपने अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून का जो डर होना चाहिए वो कमजोर होगा। इसलिए आज हमने मीटिंग में जो घोषणा की है कि अगर हाईकोर्ट का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, जो कोर्ट्स में लंबित मामले हैं जो चलते रहते हैं 10 साल, न्याय नहीं मिल पाता वादकारियों, जल्दी दंड मिले, जल्दी न्याय मिले, तो कहीं ना कहीं एक कानून का एक सम्मान लोग। अच्छा, जो आज गिरफ्तारी हुई है वहाँ उसकी आशीष मिश्रा जी, उसको लेकर जो चल रहा है, गिरफ्तारी हुई है या होटल के अंदर चेक इन किया उसने, 5 दिन बाद नोटिस उसके घर पे लगा रही पुलिस, गिरफ्तार तो किया नहीं, उठा के तो लेने गई पुलिस, वो तो खुद पहुंचे। क्या होना चाहिए, क्या मांग? देश के लोग इसे गलत निगाह से, अभी तक मंत्री परिषद में मंत्री क्यों बने हैं जो बार बार झूठे वादे दावे कर रहे थे कि पहले गाड़ी उल्टी, उसमें किसान मारे गए, उपद्रव हुआ रहा था, इसलिए जो है गाड़ी काबू में ऐसे बाहर आ गई। अब आप सबने वीडियो देख ली, किसानों पर वार किया है गाड़ी में, गाड़ी पलटी बाद। तो जो मंत्री झूठ बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करना चाहते हैं, और वो गृह मंत्री हैं, उन्हीं का विभाग है, इसलिए तुरंत बर्खास्ती उनकी होनी चाहिए। अच्छा, लखीमपुर की भी सोनिया मान जा रही थी, उन्हें भी जो जाने दिया गया है वो भी उन्हें गाजीपुर जो अरेस्ट, अब तो खोल देना चाहिए। और खासतौर से क्योंकि अब एक सामाजिक क्रिया है, रीति रिवाज है, कल अंतिम अरदास है, तो लोग जाके मिलना चाहेंगे, और कोई इस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है उनको इस तरह से रोकते हैं। आप भी पहुंच रहे हैं नामा पे? मैं पहुंचा।